गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, टूडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द नंबर कॉम्बिनेशंस टिल 10. ओके, इट इज़ अ न्यू चैप्टर ऑन पेज नंबर 128 एंड 129. आई विल एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट टू यू. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू चेक द नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ 3. ओके, हाउ वी विल मेक इट. यू हैव एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट वन, देन 3 + 0. जब हम 3 में 0 प्लस करते हैं देन द टोटल इज़ 3 ओनली. अगर हमारे पास हम नेक्स्ट नंबर 2 ले रहे हैं, अगर हम 2 में क्या प्लस करें कि 3 आंसर आएगा? 1. जब हम 2 में 1 प्लस करते हैं तो भी 3 ही आंसर आएगा. सेम अगर 1 में हम 2 प्लस कर रहे हैं, यानी हमने रिवर्स किया है. अगर आप लोग चेक देखेंगे कि यहाँ पे मैंने रिवर्स किया, यहाँ पे 2 में मैंने 1 प्लस किया था, यहाँ पे 1 में मैंने 2 प्लस किया, तो आंसर शुड बी द सेम 3. ओके, यहाँ पे 0 में अगर 3 प्लस कर रही हूँ तो भी आंसर 3 होगा. यहाँ मैंने 3 में 0 प्लस किया था, दैट मीन्स कि अगर कोई नंबर है जिसे मैं प्लस कर रही हूँ, जैसे मैंने अगर 2 + 4 किया है तो आंसर क्या आएगा? 6. अगर मैं 4 + 2 कर रही हूँ तो भी आंसर 6 ही आएगा. दैट मीन्स कि ये एक रिवर्सिबल एडिशन है जिसमें कि कोई भी डिजिट अगर हम आगे पीछे लिखते हैं तो आंसर शुड बी द सेम. ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. अभी हमारा कॉम्बिनेशन है, हमें 5 का बनाना है. ओके, 5 का कॉम्बिनेशन कैसे? यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 3 में एंड 2 में प्लस किया हुआ है. मैं एक एग्जांपल आपको इससे अलग देती हूँ ताकि आप इजीली समझ पाएँ. ठीक है, अगर मान लो मैंने 5 में 0 प्लस किया तो आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा, है ना. सेम अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 4, मैं रिवर्स ऑर्डर पे चल रही हूँ. यहाँ पे 4 में मैं 1 प्लस करूँगी तो आंसर क्या आएगा? 5. अब मैं 4 से प्रीवियस नंबर क्या होगा? 3. और मैं यहाँ पे एक प्लस करूँगी यानी 2. जब मैं 3 में 2 प्लस कर रही हूँ तब भी आंसर क्या आएगा? 5. उसके बाद देखो यहाँ पे सेम अगेन मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 4. ठीक है, सेम आपका यही आ जाएगा. यहाँ पे मैं 1 कर रही हूँ और 4 प्लस कर रही हूँ. जब 1 में मैं 4 प्लस करूँगी तब भी आंसर क्या आएगा? 5 आएगा, है ना. तो सेम अगर मेरे पास यहाँ पे 2 है, 2 में अगर मैं क्या प्लस करूँगी? 3 प्लस करूँगी तब भी मेरे पास आंसर 5 ही आएगा. दैट मीन्स कि ये हमारे पास इतने सारे कॉम्बिनेशंस आ गए. अगर आप लोग ये देख रहे होंगे यहाँ पे भी 1 + 4 है और यहाँ पे भी 1 + 4 है, देखो ये और ये, लेकिन फ़र्क इतना है कि यहाँ पे 1 पहले हैं, यहाँ पे 1 बाद में है. ओके, यहाँ पे 4 बाद में है और यहाँ 4 पहले हैं. सेम इसका एक और कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हैं, 0 + 5. दैट मीन्स कि 5 ही आंसर हमारा आएगा. तो यहाँ पे भी आप कॉम्बिनेशन देख सकते हैं, यहाँ पे 0 पहले है, यहाँ 0 बाद में है और यहाँ पे 5 जो है पहले है, यहाँ 5 बाद में है. ये कॉम्बिनेशन हैं जो कि मैंने अभी आपको 3 वाले में भी दिखाया था. सेम कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो आप यहाँ पे अपने इन ब्लैंक्स में लिख सकते हैं. ओके, जैसे 5 है, मैं यहाँ पे आपको लिख के देती हूँ 5 एंड 0 का कॉम्बिनेशन. अगर आप प्लस करते हैं तो भी आंसर आपका यही आएगा. उसके अलावा अगर मैं 4 है, 4 में मैं 1 प्लस करूँगी तब भी आंसर सेम ही आएगा. अगर मैं 3 में मैं 2 प्लस कर रही हूँ तब भी 5 आंसर आएगा. ओके, देन अगेन कि मैं 1 में मैं 4 प्लस कर रही हूँ तब भी आंसर सेम आएगा. और सेम मैं यहाँ पे 0 में 5 प्लस करूँगी तो भी आंसर सेम आएगा. ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. ओके, नेक्स्ट पेज. इट्स अवर नेक्स्ट पेज. इस नेक्स्ट पेज में क्या करना है वो मैं आपको बता रही हूँ. यहाँ पे आपको 6 का कॉम्बिनेशंस बनाने हैं. ठीक है, जैसे यहाँ ब्लॉक्स दिए हुए हैं ऑलरेडी. अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पे रेड ब्लॉक जितने हैं और ग्रीन ब्लॉक कितने. देखिए यहाँ पे कोई ग्रीन ब्लॉक है नहीं है, तो ग्रीन ब्लॉक की जगह पे 0 लगा हुआ है और रेड ब्लॉक की जगह पे 6 लगा हुआ है ना. तो सेम यही चीज़ हम
ये हम चेक करेंगे। तो ग्रीन ब्लॉक कितने हैं यहाँ पे, 1 है, और रेड ब्लॉक कितने हैं यहाँ पे बताइए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 आया, और इसका टोटल आंसर क्या आया, 5 प्लस 1 6। ओके, तो इस टाइप से आपको करने, सेम आपको इस वाले लास्ट वाले इधर वाले ब्लॉक में भी कितने ब्लॉक्स हैं ग्रीन, 2 हैं, ठीक है, प्लस इसमें कितने हैं, 4 हैं, है ना, तो प्लस आप 4 लिखेंगे और इक्वल टू 6 कर देंगे। ओके, सेम यहाँ पे आपका नेक्स्ट ब्लॉक है, यहाँ 3 ग्रीन है और 3 ही आपके रेड हैं, इक्वल टू 6 आंसर आएगा, है ना, और ये वाला आप ये तीनों खुद करेंगे जो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे दिया है, नाउ शोइंग 7 इन 2 डिफरेंट वेज थ्रू ड्राइंग, आपको ड्राइंग के थ्रू 7 को 2 डिफरेंट वेज में आपको शो करना है। अब 7 है, पहले तो आप यहाँ नंबर लिख लीजिए 7, आप 6 में क्या प्लस करेंगे, 7 आएगा, 1 प्लस करेंगे, ठीक है, या 7 में आप 0 प्लस करेंगे तब भी आपका यही नंबर आएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने सारे कॉम्बिनेशन आप देख चुके हैं, पहले मैंने आपको 3 का बताया था, फिर मैंने अभी 5 का बताया, और अभी मैंने आपको 6 का भी बताया है, ठीक है। 7 का एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, सबसे पहले बड़ा नंबर ही लेंगे 7, क्योंकि हम 7 का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, 7 में क्या प्लस करेंगे कि 7 आएगा, 0, ठीक है। अगेन यहाँ पे हम एक रिवर्स ऑर्डर लेंगे, 6 में क्या प्लस करेंगे, 7 आएगा, 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं इस वाले रो में मैं एडिशन कर रही हूँ, इस वाली रो में मैं नंबर्स ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे 1 नंबर डिक्रीज कर रही हूँ, ओके। अब 6 से किससे पहले क्या आता है, 5, और यहाँ पे 1 के बाद मुझे इंक्रीज करना है यानी 2, ओके, तो क्या आंसर आया, 7। 5 से कम कितना होता है, 4, 2 से 1 ज़्यादा क्या होगा, 3, आंसर क्या आएगा, 7। ऐसे ही 4 से कम क्या आता है, 3, और 3 से प्लस 1 करेंगे, 4 7, ओके। इसी टाइप से ये आपका पूरा कॉम्बिनेशन बनता जाए, जैसे यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे मैंने 5 प्लस किया, 7, ठीक है। लास्ट में हमारे पास जो है वो सेम आ जाएगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे दोबारा से क्या प्लस करूँगी, मैं यहाँ पे 1 में मैं क्या, यहाँ पे 6 आ जाएगा और आंसर क्या आएगा, 7, ओके। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आएगी, सेम कॉम्बिनेशन हमें यहाँ 7 वाले पार्ट में बनाना है। यहाँ पे आप सर्कल्स बना सकते हैं, ठीक है, डॉट्स बना सकते हैं, कोई भी चीज़ बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 7 प्लस 0 कर सकती हूँ, है ना, या मैं यहाँ पे कर सकती हूँ 5 प्लस 2 7, और फिर यहाँ पे मैं सर्कल्स बना सकती हूँ, पहले 5 सर्कल बना सकती हूँ मैं ऐसे, ठीक है, फिर प्लस का साइन लिखूँगी, फिर यहाँ पे 2 सर्कल्स एंड देन 7 सर्कल्स, ओके। इस टाइप से ये कॉम्बिनेशन आपका इस पेज का बनेगा। नाउ द नेक्स्ट पेज, ये आपका सिर्फ आपको मैचअप करना है, इस मैचअप में आपको क्या करना है, यहाँ पे 6 नंबर दिए हुए हैं, हमें डॉट को मैच करना है कि 6 कहाँ पे बन रहा है, ओके। यहाँ पे देखिए 2 कॉलम्स हैं, 4 हैं और 2 है, जब 4 में हम 2 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6 आएगा, हमें इस टाइप से मैच करना है। यहाँ पे देखो सिर्फ 6 ही है तो हमें इससे मैच करना है, यहाँ पे 6 प्लस 1 है, 7 आएगा, यहाँ 3 है, 3 प्लस 2 है तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, 5 कॉलम्स हैं, इधर इस वाले में 5 प्लस 1 6 आता है तो हमें 6 के साथ इसे मैच कर देना है, यहाँ 5 6 7 8, यहाँ पे लास्ट वाले में 8 है तो हम इससे मैच नहीं करेंगे, ओके, क्लियर। अब हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, यहाँ जैसे यहाँ पे 8 है तो 8 डॉट्स जहाँ पे होंगे हम उसको मैच करेंगे, ओके। अब हम काउंट करके देख सकते हैं, ओके, 6, जैसे ये वाला 6 है, 7 8 है, मैंने इसके साथ मैच कर दिया, 5 है, यहाँ 6 है तो नहीं मैच होगा,
अब यहाँ 5, 6, 7, 8 तो ये वाला एक मैच हो गया। इस टाइप से आपको ये पूरा मैच करना है ओनली। ओके नेक्स्ट चलते हैं। ये हमारा लास्ट पेज है जो कि एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन सबने बनाई होगी, यहाँ कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं नंबर लाइन के। ओके दो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, 3+1 का है। एक ऑलरेडी आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है तो मैं आपको एक बता देती हूँ। फर्स्ट जंप हमें 3 करना है, थर्ड पे 0 से मैंने 3 पे जंप किया, उसके बाद 1 जंप करना है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आया, 4 आया, तो आंसर हमारा 4 है। तो सेम आपको नेक्स्ट यहाँ 1 एंड 3, फर्स्ट जंप मैंने नीचे की तरफ 1 पे किया, उसके बाद जो 3 जंप्स करने, 1, 2, 3, आंसर क्या आया, 4। ठीक है, दोनों कंडीशंस में आंसर 4 ही आएगा। ऐसे ही सेम नीचे वाला 4+2 है, 4 पे जंप किया मैंने, फिर 2, 1, 2। ओके 4+2 क्या आंसर आया, 6, तो आंसर इज 6। देन यहाँ पे 2+4 है, मैंने 2 पे जंप किया, उसके बाद 4, 1, 2, 3, 4, यानी 6 आंसर है। इसी टाइप से आपको ये फोर्थ वाला आपको खुद करना है। ओके आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत इजी हैं, ऑलरेडी आप कर भी चुके हैं। सिर्फ एक नंबर कॉम्बिनेशन वाला आपका थोड़ा सा डिफरेंट था, बाकी तो आपने किया हुआ है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एंड हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।